लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच अनबन की खबरों ने सुर्खियां बटोरी हैं। बीजेपी लगातार राहुल प्रियंका के बीच अनबन का दावा करती रही है, लेकिन इस बार ये आवाजें कांग्रेस पार्टी के अंदर से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इसका इशारा कांग्रेसी नेता और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी आचार्य प्रमोद ने किया है। एक बयान में आचार्य प्रमोद ने कहा कि कांग्रेस पर खास लोगों का कब्जा हो गया है जो प्रियंका गांधी को साइड करने का काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है, और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी। तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कांग्रेस पार्टी। वही अब आचार्य प्रमोद के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने पोस्ट कर राहुल प्रियंका को लेकर सवाल दागा है। अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उनका विवाद खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ तक कि मणिपुर में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली लोग पहुंचे थे, जबकि प्रियंका नदारद रही। इससे पहले भी उनसे सभी जिम्मेदारी और प्रभार ले लिया गया था, और वो भी तब जब पार्टी की महासचिव थी। इससे पहले बीजेपी कई बार राहुल प्रियंका के रिश्तों पर सवाल उठा चुकी है, लेकिन तब प्रियंका गांधी ने इसे बीजेपी की शरारत बताया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर क्या बयान सामने आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.